आज जो नया टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं ये अर्थक्वेक्स है। सो व्हाट इज अर्थक्वेक? अर्थक्वेक इज अ वाइब्रेशन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। पृथ्वी की सतह पे होने वाला जो कंपन है उसी को हम क्या कहते हैं? भूकंप कहते हैं। कंपन का कारण क्या है? कोई भी हो सकता है, बहुत से कारण है जो कंपन के हो सकते हैं। ये जो वाइब्रेशन आप पृथ्वी की सतह पे देखते हैं, ये वाइब्रेशन जो आपको लगता है, अगर अभी कभी आपने अर्थक्वेक को महसूस किया हो, आज से कुछ साल पहले कानपुर में और आसपास के क्षेत्र में भूकंप आया था, तो अगर आपने उसको महसूस किया हो तो आपको जैसे लगता है कि पृथ्वी क्या हो रही है, हिल रही है। हमको ये जरूर लगता है कि पृथ्वी हिल रही है, लेकिन ये जो भूकंप है इसमें बेसिकली पृथ्वी हिलती रही है, हिलती तो है, लेकिन उसमें होता क्या है कि वेव्स आती है, तरंगे आती हैं और एक के बाद एक दूसरी वेव्स आती रहती हैं, फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, थर्ड वेव, ठीक है। और वही वेव जो होती है वो हमें झटके देती है, हमारा जो स्ट्रक्चर होता है वो उससे हिलता है। ये जो वेव्स हैं ये ठीक वैसे ही वेव्स होती हैं जैसे पानी में तरंगे होती हैं। अगर आप कभी तालाब या झील या नदी के किनारे जाएं और एक पत्थर आप उठा के नदी में फेंके तो आपने देखा होगा कि पानी में क्या होती है, तरंगे बनती है, वेव्स बनती हैं, गोल तरंगे बनती हैं जो चारों तरफ आगे की तरफ प्रोपोगेट करती हैं और धीरे धीरे खत्म हो जाती हैं। जैसे ही आप पृथ्वी की सतह पर अगर देखेंगे भूकंप आता है तो वैसे ही क्या बनती है, ठीक वैसी तरंगे बनती हैं जैसे पानी में बनती हैं, और वो तरंगे भूकंप केंद्र से बाहर की तरफ आती हैं। तो इस तरीके से भूकंप, पृथ्वी की सतह पे जो भूकंप है वो पानी में आने वाली तरंगों के समान ही होता है। अगर आप कभी आसमान में ऊपर से देखें और नीचे अगर भूकंप आ रहा हो तो आपको ठीक वैसी तरंगे जमीन से भी चलती हुई दिखाई देंगी, जैसी तरंगे मैंने आपको बताया कि जब आप पानी में पत्थर फेंकते हैं तो आती है। तो सिस्मोलॉजी क्या है? सिस्मोलॉजी इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ अर्थक्वेक। भूकंपों का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? भूकंप विज्ञान कहलाता है। ये जो वर्ड है सिस्मोलॉजी, ये दो ग्रीक शब्द से मिलकर बना है। एक का नाम है सिस्मोस जिसका मतलब होता है अर्थक्वेक, और दूसरे का नाम है लोगस जिसका मतलब होता है स्टडी या डिस्कोर्स। तो ग्रीक वर्ड सिस्मोलॉजी जो है वो सिस्मोस और लोगस शब्द से मिलके बना है, ठीक है। अब जब भी भूकंप आता है तो बेसिकली कुछ भूकंपीय तरंगे आती हैं जिसे हम क्या कहते हैं, सिस्मिक वेव्स कहते हैं। तो जब भी भूकंप आएगा कुछ भूकंपीय तरंगे आती हैं जिसे हम क्या कहते हैं, सिस्मिक वेव्स कहते हैं। ये जो भूकंपीय तरंगे हैं ये तीन तरह की होती हैं, पी वेव्स, एस वेव्स एंड एल वेव्स। और ये जो तरंगे होती हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि ये जो तरंगे होती हैं ये हमें बताती हैं कि पृथ्वी के अंतरम में क्या है। जब हमने इंटीरियर ऑफ द अर्थ पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि जो पृथ्वी में जो अंदर परतें हैं उसके बारे में हमें कैसे जानकारी मिलती है, उसके बारे में जानकारी हमें सीस्मिक वेव से मिलती है। तो यही सीस्मिक वेव्स यानी पी वेव्स, एस वेव्स और एल वेव्स हमें पृथ्वी के जो अंतरम है यानी पृथ्वी के अंदर अंदर की जो लेयर्स हैं या जो पृथ्वी के अंदर का जो घनत्व है उसकी क्या देती हैं, जानकारी देती हैं। अब हम शुरू करते हैं कि करके इन वेव्स को पढ़ना। सबसे पहले हम लोग देखते हैं, सो जो पी वेव्स हैं याद रखिएगा, इनके नाम अक्सर पूछे जाते हैं तो अगर आपके पास रजिस्टर है तो आप लिखते रहिए। पी वेव्स जो है इसे हम प्राइमरी वेव्स कहते हैं, प्राथमिक तरंगे कहते हैं, या कंप्रेशनल वेव्स कहते हैं, दबाव वाली तरंगे कहते हैं, या लॉन्गिट्यूडनल वेव्स भी कहते हैं। तो जो पी वेव्स है उसे हम प्राइमरी वेव्स, कंप्रेशनल वेव्स या लॉन्गिट्यूडनल वेव्स भी कहते हैं। आपकी जो पी वेव्स हैं वो ध्वनि तरंगों के समान चलती हैं। कैसे चलती हैं? साउंड वेव्स की तरह चलती हैं। साउंड वेव्स का आपको आइडिया होगा कि साउंड वेव्स कैसे चलती हैं और मैं आपको थोड़ी देर में उसका वीडियो भी दिखे, लेकिन हमेशा याद रखिएगा पी वेव्स कैसी चलती हैं, ध्वनि तरंगों की तरह चलती हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, पार्टिकल जो होते हैं वो ऑसिलेट करते हैं बैकवर्ड एंड फोर्थवर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, यानी तरंग जिस तरफ जा रही है उसी तरफ जो पार्टिकल्स होते हैं, एक बार आगे आते हैं फिर पीछे जाते हैं, एक बार आगे आते हैं फिर पीछे जाते हैं, आगे और पीछे। इस तरीके से ये जो साउंड वेव्स हैं यानी जो पी वेव्स हैं ये आगे की तरफ ट्रेवल करती हैं। पी वेव्स के बारे में खास बात यह है कि पी वेव्स जो हैं वो सॉलिड में तेज चलती हैं और लिक्विड में क्या हो जाती हैं, स्लो चलती हैं, लेकिन चलती दोनों में है। यानी पी वेव्स सॉलिड और लिक्विड दोनों में चलती हैं, बस सॉलिड में क्या चलती हैं, फास्टर चलती हैं, और लिक्विड में कैसे चलती हैं, स्लो चलती हैं, ठीक है। पी वेव्स जो है ये क्योंकि इनकी जो स्पीड है ये बाकी एस वेव से क्या होती है, फास्ट होती है। तो जो सिस्मिक स्टेशंस हैं आपके, जहां भूकंप के जो हम तरंगे हैं जहां से रिकॉर्ड करते हैं, उन स्टेशंस में सबसे पहले कौन सी तरंग पहुंचती है, सबसे पहले पी वेव्स पहुंचती है। जो पी वेव होती है इसकी टिपिकल स्पीड, हालांकि ये डिपेंड करता है कि जो इसकी स्पीड है वो डिपेंड करती है कि वो किस तरह के मैटर में ट्रेवल कर रही है और उसकी डेंसिटी क्या है, लेकिन ऑन एन एवरेज जो पी वेव की जो स्पीड होती है वो लगभग 330 मीटर पर सेकेंड एयर में होती है, यानी जब हवा में चलेगी तो 330 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चलेगी। जब वो वाटर में होगी तो उसकी स्पीड 1450 मीटर पर सेकंड होगी, और जब वो ग्रेनाइट जो कि हमारे जमीन के अंदर आमतौर पर चट्टाने पाई जाती हैं, जब वो उसमें चलेगी तो 5000 मीटर
पर सेकेंड चले, यानी 5 किलोमीटर पर सेकेंड इनकी स्पीड होगी। ये टिपिकल स्पीड है किसकी, पी वेव्स की। यहाँ पे राइट साइड में आप लोग ग्राफ देख रहे हैं, देखिए दो वेव्स दिखाई दे रही हैं, एक आपकी प्री वेव पी वेव है और दूसरी आपकी कौन सी है, एस वेव्स। पी वेव्स पे आप ध्यान दीजिए, ये देखिए ये जो है वेलोसिटी इन किलोमीटर्स है पर सेकेंड, 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर 6 8 10 12 14, और यहाँ पे देखिए डेप्थ है यानी पृथ्वी के अंदर गहराई। अब आप देखिए जैसे जैसे पी वेव जो है वो देखिए शुरू कर रही है लगभग 8 किलोमीटर के आसपास, और जैसे जैसे 6 से स्टार्ट हो रही है जमीन के अंदर, जैसे जैसे जा रही है स्पीड बढ़ रही है, और देखिए जैसे जैसे ये मेंटल के आसपास आती है इसकी स्पीड काफी हो जाती है, और मेंटल के आसपास आके देखिए ये जो डी लेयर है यानी आउटर कोर की शुरुआत है, जैसे ही आउटर कोर की जो जो शुरुआत है देखिए उसकी स्पीड जो है एकदम से 14 किलोमीटर प्रति सेकंड के आसपास से कम होके कितने हो जाती है, 7 किलोमीटर पर सेकंड के आसपास हो जाती है, और फिर जो उनकी वेव्स है स्पीड जो है बढ़ती है क्योंकि अंदर डेंसिटी बढ़ रही है। देखिए आउटर कोर में आके फिर से जो स्पीड है वो क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो जो आपकी जो पी वेव्स हैं ये इनकी स्पीड क्या होती है, इनकी स्पीड कम हो जाती है जैसे ही आउटर कोर में पहुंचती है, और आपको याद हो तो आउटर कोर में क्या है, लिक्विड है। दूसरी जो वेव्स हैं वो इंटरेस्टिंग है और वो है एस वेव्स। एस वेव्स जो है उसको हम सेकेंडरी वेव्स, ट्रांसवर्सिव वेव्स या शियर वेव्स के भी नाम से जानते हैं। तो जो आपकी एस वेव्स हैं ये क्या है, द्वितीय तरंगे हैं, सेकेंडरी वेव्स हैं। देखिए ये जो तरंगे हैं ये कैसे चलती हैं, लाइट वेव्स की तरह, ठीक है, प्रकाश तरंग की तरह चलती है। लाइट वेव्स कैसे चलती है, एक मोशन जो होता है वेव लाइक मोशन में चलती है, तो ये किस तरीके चलती है, लाइट वेव्स की तरह चलती है, ठीक है। और आपको लाइट वेव्स का जो प्रोपगेशन है वो पता होगा, जो पार्टिकल होते हैं वो क्या करते हैं, जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है उसके परपेंडिकुलर चलते हैं, ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर और फिर नीचे, ठीक है। तो ये जो पार्टिकल है इसमें क्या करते हैं, परपेंडिकुलर मूव करते हैं डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के। ये जो आपकी एस वेव्स हैं ये केवल किसमें चलती हैं, सॉलिड में चलती हैं, और लिक्विड में क्या हो जाती हैं, डिसअपियर हो जाती हैं। तो हमारी जो एस वेव्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ सॉलिड में चलती हैं, लिक्विड में क्या हो जाती हैं, डिसअपियर हो जाती हैं, ठीक है। लिक्विड में डिसअपियर होने का मुख्य कारण ये है कि जो ये शियर वेव्स हैं, शियर वेव्स जो हैं वो साइड का जो मोशन होता है राइट लेफ्ट का उसे सपोर्ट नहीं करते, क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वाटर के वो आपस में कनेक्टेड नहीं होते। सॉलिड के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, आपस में कनेक्टेड होते हैं। अब अगर आप देखें यहाँ पे देखिए एस वेव्स हैं ये 2 किलोमीटर के आसपास 3 किलोमीटर के आसपास से स्टार्ट हो रही है अर्थ के अंदर, जैसे जैसे जा रही है इसका स्पीड बढ़ रहा है। लेकिन देखिए जैसे ही आउटर कोर शुरू होता है, आउटर कोर के शुरू होते ही जो स्पीड कहाँ जाती है, जीरो पे आ जाती है। तो आउटर कोर पहुंचते ही हमारी जो एस वेव्स हैं उनकी स्पीड क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। इसी वजह से हमें पता चलता है कि जो हमारा आउटर कोर है वो किस फॉर्म में है, वो लिक्विड फॉर्म में है, क्योंकि क्योंकि जो हमारी एस वेव्स हैं वो आउटर कोर में क्या हो जाती हैं, डिसअपियर हो जाती है। जो आपकी जो एस वेव्स है जो उसकी स्पीड होती है, एस वेव्स की जो स्पीड है वो पी वेव से कितनी कम होती है, लगभग 60% उनकी जो स्पीड होती है वो क्या होती है, कम होती है, केवल 60% ही स्पीड होती है। तो अगर आपको आपको उसकी स्पीड कैलकुलेट करना है तो आप अगर माइनस कर देंगे पी वेव्स में से तो आपको स्पीड पता चल जाएगी कि एस वेव्स की स्पीड क्या है, ठीक है। और हमेशा याद रखिएगा जैसे जैसे मैटर की जो डेंसिटी होती है वो बदलती जाती है, इनकी जो स्पीड होती है उसमें भी क्या होता है, चेंज आता है। ये देखिए ये वीडियो है पी वेव्स एंड एस वेव्स का। ये देखिए ये ऊपर वाली एस वेव्स हैं, देखिए कैसे लाइट वेव्स की तरह चल रही हैं, ठीक है, मोशन। और ये देखिए नीचे ध्यान दीजिए पी वेव्स को, आप मैं ऐसे फिर से प्ले करता हूँ, अब आप नीचे वाली पी वेव्स पे ध्यान देखिए दीजिएगा, ठीक है। देखिए किस तरीके से पार्टिकल जो है वो आगे जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, ठीक है। इसका जो मोशन होता है कुछ कुछ वॉर्म की तरह होता है, ठीक है। तीसरी जो हमारी वेव्स हैं उनको हम कहते हैं एल वेव्स। जो एल वेव्स हैं ये बेसिकली जो होती हैं ये आपके सरफेस पे चलती हैं, तो इन्हें सरफेस वेव्स भी कहते हैं। एल वेव्स जो है ऑल्सो नोन एज, इनको रे लाइट वेव्स के नाम से भी जाना जाता है, लॉन्ग पीरियड वेव्स के भी नाम से जाना जाता है, लॉन्ग पीरियड वेव्स, क्योंकि ये बहुत लंबे समय तक रहती है, ठीक है। और एल वेव्स को लव वेव्स के नाम से भी जाना जाता है। एक सिस्मोलॉजिस्ट थे जिसका नाम था अगस्तस हार्वर्ड लव, ठीक है, तो उनके नाम से इसे लव वेव के नाम से भी जाना जाता है। एल वेव जो होती है वो केवल पृथ्वी के सतह पे चलती है, यानी हमारी जो पृथ्वी है उसकी जो आउटर बाउंड्री है केवल उस आउटर बाउंड्री पे चलती है, और ये जो वेव्स हैं इनकी स्पीड सबसे स्लो होती है, यानी पी और एस से ये स्लो चलती है पहली बात, लेकिन ये सबसे लंबी दूरी तय करती है, ठीक है। यानी पी और एस से इनकी स्पीड कम होती है लेकिन सबसे ज्यादा जो डिस्टेंस है वो एल वेव्स क्या करती है, पृथ्वी की सतह पे ट्रेवल करती है।
साथ ही में जो एल वेव्स हैं यही क्या होती हैं, सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होती हैं और वॉयलेंट होती हैं। पृथ्वी की सतह पे जो भी नुकसान होता है वो किसकी वजह से होता है, वो एल वेव्स की वजह से होता है। क्यों? क्योंकि ये पृथ्वी की सतह पे आती हैं और यही सबसे ज्यादा जो नुकसान है हमारे स्ट्रक्चर को वो पहुंचाती हैं। और जैसे ही हम पृथ्वी की सतह में थोड़ा सा नीचे जाते हैं जो एल वेव होती है वो क्या हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है। तो इस तरीके से हमने पढ़ा तीन वेव के बारे में, पी वेव्स, एस वेव एंड एल वेव्स के बारे में। चलिए अब ये जो वेव्स हैं इनको आप समझिएगा, जो आपकी एल वेव्स हैं वो याद रखिएगा केवल कहाँ चल रही हैं, पृथ्वी के सतह पे चल रही हैं। पी वेव्स और एस वेव जो है वो पृथ्वी के अंदर जाती हैं। जैसे जैसे पी वेव्स अंदर जाती हैं इनमें रिफ्रेक्शन होता है, डिफ्लेक्शन होता है। डिफ्लेक्शन किस वजह से होता है, क्योंकि जो डेंसिटी है पृथ्वी के सतह के अंदर वो बढ़ती जाती है, जिसके बारे में हमने इंटीरियर ऑफ द अर्थ में आपसे डिस्कशन किया था। ठीक है, तो जैसे जैसे ये वेव्स पृथ्वी के अंदर जाती हैं इनमें डिफ्लेक्शन पैदा होता है। ठीक है, तो देखिए हम लोग एक एक करके वेव्स को समझते हैं। सबसे पहले देखिए हमारी जो एस वेव्स हैं वो आउटर कोर पे क्या हो जाएंगी, डिसअपियर हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए आउटर कोर से टकराई और ये यहाँ पे पहुंची, यानी इस जो कोर है आउटर कोर है इसके अंदर जो है ये जो आपकी जो एस वेव्स हैं वो नहीं पहुंच पाएंगे। तो देखिए अगर भूकंप यहाँ से जनरेट हुआ, यहाँ पैदा हुआ पृथ्वी की सतह पे, तो जो एस वेव्स हैं आपको कहाँ तक मिलेंगी, केवल यहाँ तक मिलेंगी, इस जगह यहाँ और इस जगह यहाँ। नीचे बचा हुआ ये पूरा इलाका, ये पूरा रीजन, ठीक है, ये रीजन क्या कहलाता है, शेडो जोन कहलाता है। क्या कहलाता है, शेडो जोन। किसका शेडो जोन, एस का, एस वेव्स का शेडो जोन। तो क्योंकि आउटर कोर पे जाके डिसअपियर हो जाती हैं, तो ये जो नीचे पूरा जोन बनेगा उसे हम क्या कहेंगे, शेडो जोन। शेडो जोन का मतलब होता है ये वो क्षेत्र जहां पे खास तरंगे जो है वो कभी नहीं पहुंचेंगे। तो अगर भूकंप यहाँ आया है तो ये जो पूरा इलाका होगा, लगभग पृथ्वी का आधा पार्ट, वो क्या होगा, एस वेव्स का शेडो जोन होगा। यानी वहां पे आपको एस वेव्स जो है उनकी रीडिंग जो है वो सीस्मिक सेंटर पे नहीं मिलेगी। अब देखिए जो आपकी पी वेव्स हैं ये जाएंगी आउटर कोर पे, आउटर कोर पे इनकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और स्पीड कम होने के बाद फिर से ये कोर को क्रॉस करेंगी और फिर से इनकी स्पीड क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो लेकिन अगर आप देखें तो ये देखिए यहाँ पे आउटर कोर पे गई और ये डिफ्लेक्शन हुआ। अब जब ये यहाँ पे तरंगे टकराई तो देखिए आउटर कोर में फिर से डिफ्लेक्शन हुआ, तो कोर में क्या हो गई, डिफ्लेक्ट हो गई। तो कोर की जो बाउंड्री है, मेंटल और कोर की जो बाउंड्री है, उसमें जो हो रहा डिफ्लेक्शन है उसकी वजह से देखिए ये जो वाला पार्ट है, ये देख रहे हैं जो व्हाइट पार्ट यहाँ पे है और जो व्हाइट पार्ट यहाँ पे है, क्योंकि हमारे कोर में जाते ही वो क्या हो रही है, वेव्स की स्पीड डिफरेंट हो रही है और वेव्स में डिफ्लेक्शन हो रहा है। तो हमारा पी का शेडो जोन बनेगा, लेकिन पी का शेडो जोन क्या होगा, बहुत छोटा सा देखिए शेडो जोन होगा दोनों तरफ पृथ्वी में। तो इस तरीके से शेडो जोन बनेगा किसका, पी का। तो इस तरीके से जब भूकंप आते हैं तो पी वेव्स और एस वेव्स का अलग अलग जो शेडो जोन है वो क्या होते हैं, बनते हैं। चलिए अब कुछ टर्म्स हैं अर्थक्वेक से रिलेटेड जिन्हें आप समझ लीजिए। जैसे आपका एक टर्म आपने सुना होगा फोकस, ठीक है, भूकंप मूल इसे कहते हैं। दूसरा एक टर्म है एपिसेंटर, जिसे हम क्या कहते हैं, भूकंप केंद्र। एक टर्म होता है जिसे हम कहते हैं आइसोसमल लाइन, जिनके बारे में शायद आपने ना सुना हो। और दूसरा होता है होमोसैसमल लाइन्स। ठीक है, क्या क्या होता है इसे समझ लें। देखिए पृथ्वी के अंदर जहां से भूकंप की शुरुआत हुई उसे हम क्या कहते हैं, फोकस। यानी पृथ्वी के अंदर जहां चट्टाने आपस में टकराई, उस जगह को जहां चट्टाने टकराई हैं या चट्टाने दूर गई हैं, जहां से भूकंप की शुरुआत हो रही है, प्रारंभ हो रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, फोकस। हिंदी में क्या कहते हैं, भूकंप मूल। अब फोकस के ठीक ऊपर जो जगह होती है उसे हम कहते हैं एपिसेंटर, इसे हम कहते हैं हिंदी में भूकंप केंद्र। याद रखिएगा सबसे पहले भूकंप कहाँ आएगा, सबसे पहले भूकंप फोकस के ठीक ऊपर जो पृथ्वी की सतह है वहां पे आएगा। तो जो फोकस के ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह होती है उसे हम कहते हैं एपिसेंटर या भूकंप केंद्र, जहां से भूकंप की क्या होती है, शुरुआत होती है। जैसे जब गुजरात में भूकंप आया तो जो भुज था वो क्या था, एपिसेंटर। कभी भी अगर भूकंप आएगा तो आप लोग सामान्यता जो शब्द है एपिसेंटर आप तुरंत सुनेंगे कि जो उसका भूकंप केंद्र था वो इस जगह लोकेटेड था। याद रखिएगा फोकस पृथ्वी के अंदर जहां से भूकंप का प्रारंभ होता है उसे फोकस कहते हैं। पृथ्वी की सतह पे जहां भूकंप सबसे पहले जो पहुंचता है उसे हम क्या कहते हैं, एपिसेंटर कहते हैं। आइसोसमल लाइंस, आइसोसमल लाइंस क्या होती हैं, लाइन जॉइनिंग प्लेस ऑफ इक्वल इंटेंसिटी आर नोन एज आइसोसमल लाइंस। पृथ्वी की सतह पे होता क्या है कि हमारी जो चट्टाने होती हैं उनका नेचर बिल्कुल एक जैसा नहीं है, मतलब कहीं कुछ और है, कहीं कुछ और है, कहीं कुछ और है। तो होता क्या है कि जब भूकंपी तरंगे आगे की तरफ बढ़ती हैं तो उनका जो प्रकृति होती है वो बदल जाती है। तो बेसिकली जो मतलब जैसे पानी में जब आप पत्थर मारते हैं तो तरंगे कैसी होती हैं, बिल्कुल गोल होती है। गोल होने का कारण क्या है कि पानी की डेंसिटी क्या है, बिल्कुल सेम है। आप देखेंगे कि अगर पानी की डेंसिटी अलग अलग हो तो जो तरंगों का जो व्यवहार है और उसका जो
सर्कुलर वेव्स हैं उनका जो नेचर है वो क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो हमारी जो पृथ्वी की सतह है वो पानी की तरह क्या है, इक्वल डेंसिटी वाली नहीं है, उनकी डेंसिटी में बहुत ज्यादा क्या है, वेरिएशन है। कहीं अलग तरह के सेडिमेंट्री रॉक हैं, कहीं अलग तरह की सेडिमेंट्री रॉक हैं, फिर पता चला कि सेडिमेंट्री रॉक खत्म हो गई और आपकी जो इग्नियस रॉक्स हैं उनकी शुरुआत हो गई। तो हर एक रॉक की डेंसिटी क्या है, अलग है। तो होगा क्या कि वेव जो आगे बढ़ रही हैं इनका नेचर, उनका बिहेवियर क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो बेसिकली आइसोसमल लाइंस क्या होती है, लाइन ज्वाइनिंग प्लेस ऑफ इक्वल इंटेंसिटी। ठीक, तो अगर आपने ये काल्पनिक रेखा खींच दी तो इस रेखा में जितने भी क्षेत्र आ रहे हैं वहां की इंटेंसिटी क्या है, सेम है। सो आइसोसमल लाइंस क्या है, लाइन ज्वाइनिंग प्लेस ऑफ इक्वल इंटेंसिटी। दूसरी होती है होमोसेस्मल लाइंस। होमोसेस्मल लाइंस मतलब क्या होती है, लाइन ज्वाइनिंग प्लेस वेयर द शॉक वेव अराइव्ड एट द सेम टाइम। ठीक है, देखिए अगर चट्टानों की डेंसिटी मान लीजिए, अगर ये पॉइंट ए है जो एपिसेंटर है और यहाँ पे चट्टानों की डेंसिटी ज्यादा है, घनत्व ज्यादा है, और पॉइंट बी के जो नीचे वाला यहाँ वाला इलाका है यहाँ पे जो डेंसिटी है वो क्या है, कम है। तो जहां डेंसिटी है वहां वेव्स क्या तेजी से ट्रेवल करेंगी, और जहां डेंसिटी कम है वेव्स वहां क्या करेंगी, स्लो ट्रेवल करेंगी। ठीक है, तो देखिए जो जो वेव जो बिहेवियर है वो कैसा हो जाएगा, सर्कुलर ना होके कैसा हो जाएगा, इलिप्टिकल हो जाएगा। तो होमोसेस्मल लाइंस क्या होती है, वो लाइंस जो उन जगह को जोड़ती है जहां पे शॉक वेव्स किस टाइम पे पहुंची, सेम टाइम पे पहुंची। इसके अलावा हम लोग दो शब्द यूज करते हैं अर्थक्वेक में, मैग्नीट्यूड एंड इंटेंसिटी। मैग्नीट्यूड क्या है, मैग्नीट्यूड इज अ मेजर ऑफ सीस्मिक एनर्जी रेडिएटेड बाय एन अर्थक्वेक एंड इट इज मेजर्ड बाय रिक्टर स्केल। मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैग्नीट्यूड क्या होता है कि जो आपकी जब भूकंप आता है तो उस भूकंप के आने से जो पृथ्वी के अंदर ऊर्जा रिलीज हुई है, इस ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड कहते हैं। इंटेंसिटी क्या होती है, इंटेंसिटी जो भी नुकसान उस भूकंप से हुआ है उसे हम क्या कहते हैं, वो उसको हम कैसे नापते हैं, उसकी इंटेंसिटी से नापते हैं। तो मैग्नीट्यूड क्या है, जो एनर्जी है जो पृथ्वी के अंदर से भूकंप के टाइम रिलीज हो रही है उसे हम मैग्नीट्यूड कहते हैं। और आपने स्केल सुना होगा रिक्टर स्केल, रिक्टर स्केल क्या करता है, मैग्नीट्यूड को मेजर करता है। और इंटेंसिटी क्या है, जो डैमेज अर्थक्वेक की वजह से हो रहा है वो क्या है, उसकी इंटेंसिटी है। दो स्केल और हैं जो जो रिक्टर स्केल से पहले यूज की जाती थी, मार्कली और रोजीफेरल स्केल। तो रोजीफेरल स्केल और जो मार्कली स्केल है वो किसको नापती हैं, इंटेंसिटी को नापती हैं। उनके बारे में हम लोग फिर से डिटेल में डिस्कशन करेंगे। चलिए अब हम लोग आते हैं कॉज ऑफ अर्थक्वेक। अर्थक्वेक के बेसिकली तीन कॉजेज हैं। तो सबसे पहले जो कॉज है वो क्या है, हमारा टेक्टोनिक रीजंस है। उसके अलावा मैनमेड रीजंस होते हैं, और कुछ रीजंस जो होते हैं वो ऐसे होते हैं जो जो हमारे सोलर सिस्टम से ओरिजिनेट होते हैं। मीटराइट इंपैक्ट, जब धूमकेतु पृथ्वी से टकराते हैं, जैसा कि केटी इवेंट में हुआ होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं टेक्टोनिक रीजंस में। भूकंप आने का जो सबसे बड़ा रीजन है वो क्या है, टेक्टोनिक रीजन है, विवर्तनिकी कारण। प्लेट टेक्टोनिक की थ्योरी की बात बार बार हो रही है, और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आने वाले समय में हम पढ़ेंगे। आप बस इतना समझ लीजिए कि जब प्लेटें आपस में टकराती हैं या एक दूसरे से दूर जाती हैं या एक दूसरे से रगड़ खाती हैं, तीनों ही स्थिति में जो पृथ्वी की सतह है उस पर क्या आती है, भूकंप आता है। ठीक है, तो वो उस वजह से जो भी भूकंप आ रहे हैं उसे हम क्या कहते हैं, टेक्टोनिक रीजंस कहते हैं। इसके अलावा प्लेट टेक्टोनिक्स के कारण ही हमारे क्या होते हैं, वॉल्केनिक इरप्शन होते हैं, ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं। तो मैंने आपको बताया था जैसा कि क्रकटोवा में कि जब फटा था तो भूकंप भी आए थे, तो वॉल्केनिक इरप्शन जो होती है उसके बाद भी क्या होता है, भूकंप आते हैं। तो वो सारे की जो सारे कारण है वो किसमें लिस्टेड है, टेक्टोनिक्स रीजन में लिस्टेड है, जिसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कशन करेंगे। ये डायग्राम है जो इलस्ट्रेट कर रहा है कि हमारी पृथ्वी के अंदर प्लेटों का मूवमेंट किस तरीके से होता है और कहाँ कहाँ जो भूकंप है वो आते हैं। ठीक है, इनको हम लोग डिस्कस करेंगे जब प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए, नेक्स्ट जो कॉज है अर्थक्वेक का वो है मैनमेड रीजंस। मैनमेड रीजंस में आपका जो एक सबसे इंपॉर्टेंट रीजंस है, इसे हम कहते हैं डैम्स। ठीक है, तो आपके जो जो डैम्स जो बांध बनते हैं बड़े बड़े, इन बांधों की वजह से, डैम्स की वजह से क्या होता है, भूकंप आता है। ठीक, जैसे होता क्या है कि जब हम डैम बनाते हैं, देखिए एक पहाड़ी इलाका है, यहाँ पे हमने डैम बनाया। ठीक, डैम बनाने की वजह से पीछे क्या बना, एक रिजर्वायर बना, एक लेक बनी। ठीक है, ये लेक क्या होती है, बहुत विशाल होती है, कई सौ स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है वो ये कवर करती है, और उसमें पानी का बहुत बड़ा एक्युमुलेशन होता है, बहुत ज्यादा पानी इसमें जमा होता है। अब होता क्या है कि जब जब पानी बहुत ज्यादा जमा हो जाता है डैम बनने के कारण, जो रिजर्वायर बनता है, तो पानी का क्या होता है, अपना एक वेट होता है, वजन होता है। उसकी वजह से वो क्या करता है, पानी पृथ्वी की सतह पे वेट, मतलब भार डालता है, वेट डालता है। उसकी वजह से पृथ्वी का एक कॉन्सेप्ट जिसको हम कहते हैं आइसोस्टेसी। ठीक है, संतुलन की संकल्पना। तो पृथ्वी का जो आइसोस्टेसी है, संतुलन है, वो बिगड़ जाता है, और माना जाता है जिनकी वजह से क्या होता है, भूकंप आता है।
ऐसे देखने में आया है कि जो बड़े बड़े जो डैम्स जहां जहां दुनिया भर में बने हैं वहां वहां पे क्या आए हैं, भूकंप आए हैं। हिंदुस्तान में एक बहुत फेमस भूकंप है लातूर का भूकंप, ठीक है, माना जाता है कि वो भी जो भूकंप है एक डैम की वजह से जो वहां पे उस समय बन रहा था उसकी वजह से वहां पे आ गया। उत्तरकाशी का जो भूकंप है वो भी हम मानते हैं कि वो डैम कंस्ट्रक्शन की वजह से उसका कोई ना कोई रोल है, हालांकि ये बहुत ज्यादा साइंटिफिकली प्रूव नहीं है, लेकिन दुनिया भर में इसे एक्सेप्ट किया जाता है कि जहां जहां डैम बनाए गए हैं वहां वहां ये देखा गया है कि वहां भूकंप जो है वो आते हैं। तो जो डैम्स हैं वो क्या है, भूकंप का एक कारण माने जाते हैं। इसके अलावा न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, जब भी न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होगा क्योंकि वो बहुत एनर्जी होती है, तो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के बाद भी क्या होते हैं, भूकंप के जो हल्के झटके हैं वो आपको क्या होंगे, महसूस होंगे। तीसरा है माइनिंग, ठीक है, माइनिंग जो है वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और माइनिंग की वजह से अक्सर क्या होता है, भूकंप आता है। अब माइनिंग की वजह से भूकंप कैसा होता है, जैसे मेरे फादर आर्मी में थे तो हम लोग झारखंड में पोस्टेड थे, तो हम लोग रांची में थे, तो वहां पे होता क्या था कि वहां पे कोयले की खदानें हैं उधर आसपास के बहुत सारे इलाकों में, तो ये जो कोयले की खदानें होती है क्या होती है, जमीन के अंदर है वो, तो वहां से क्या करता है कोयले को निकाल लिया जाता है, और कोयले को निकाल लेने के बाद वहां पे क्या होता है खाली जगह बच जाती है। ठीक है, नियम ये होता है कि जो खाली जगह बच गई है उसमें रेत वगैरह भर दे, लेकिन आमतौर पे जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं वो ऐसा नहीं करते हैं और जो अंदर खाली जगह है उसको वैसे ही छोड़ देते हैं। फिर लंबे समय बाद पता चला, 100 साल बाद, 50 साल बाद या 10 साल बाद बारिश हुई किसी दिन रात को और जो जमीन थी उसका वजन पानी की वजह से काफी ज्यादा बढ़ गया, वेट बढ़ गया, या सामान्यतः ऐसे भी वो क्या होता है, वो तो ऊपर जो खान का जो ऊपरी हिस्सा होता है वो क्या होता है, धस जाता है। जब वो धसता है तो ऊपर की जो पूरी मिट्टी है वो नीचे वाली जो सतह है उससे आके टकराती है, जिसकी वजह से क्या आते हैं, भूकंप आते हैं। ये एक बहुत सामान्य सी घटना है उन इलाकों में जहां पे कोयले और अन्य जो मिनरल्स हैं इनकी माइनिंग होती है, और खासतर वो माइनिंग कहाँ होती है, जमीन के अंदर होती है। ठीक है, तो इस तरह के जो भूकंप है वो आते हैं और हल्के भूकंप होते हैं और इसकी वजह से काफी ज्यादा नुकसान होता है इन इलाकों में। अगला जो हमारा कारण है तीसरा वो है मीटराइड इफेक्ट। जब भी भूकंप, जब भी धूमकेतु पृथ्वी से टकराते हैं तो क्या आते हैं, भूकंप आते हैं, जैसा कि केटी इवेंट में क्या हुआ होगा, हुआ होगा। अब हम लोग नापते पढ़ते हैं स्केल्स के बारे में कि वो कौन कौन सी स्केल्स हैं जिससे हम अर्थक्वेक को नापते हैं। अर्थक्वेक नापने के लिए बेसिकली 3 स्केल प्रचलन में है, एक को हम रिक्टर स्केल कहते हैं, दूसरे को मार्किली स्केल कहते हैं और तीसरे को रोजीफोरल स्केल कहते हैं। तो रिक्टर स्केल, मार्किली स्केल एंड रोजीफोरल स्केल, जैसा कि मैंने आपको बताया था, रिक्टर स्केल क्या करती है, मैग्नीट्यूड जो है उसको नापती है, जबकि मार्किली स्केल एंड रोजीफोरल स्केल किसको नापती है, इंटेंसिटी को मेजर करती है। चलिए मार्किली और रोजीफोरल के बारे में बाद में पढ़ते हैं, पहले शुरू करते हैं रिक्टर स्केल के साथ। आपकी जो रिक्टर स्केल है, ये रिक्टर स्केल जो है जिसे 0 से 9 के बीच में, आप लोगों ने आमतौर पर सुना होगा 0 से 9 या 0 से 10 के बीच में नापा जाता है, लेकिन वास्तविकता यह है कि रिक्टर स्केल की कोई ऊपरी सीमा नहीं है, एक्चुअली ये लॉग टेबल बेस्ड स्केल है और भूकंप की जो तीव्रता है वो कुछ भी हो सकती है, वो 10 भी हो सकती है, वो 11 भी हो सकती है और वो 12 भी हो सकती है, लेकिन माना जाता है कि आमतौर पे जो भूकंप है उनकी तीव्रता 9.5 या 10 से ज्यादा नहीं हो सकती। तो अगर रिक्टर स्केल के बारे में आपसे पूछा जाए कि रिक्टर स्केल को किससे और किसके बीच में नापा जाता है, तो आपको जवाब होना चाहिए कि रिक्टर स्केल क्या है, इट इज एन ओपन एंडेड स्केल, ये एक ओपन एंडेड स्केल है, इसकी कोई ऊपरी सीमा नहीं है और भूकंप की तीव्रता क्या है, कुछ भी हो सकती है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारी जो पृथ्वी की जो ऊपरी परत है जिसे हम लिथोस्फेयर कहते हैं, जब ये आपस में दूसरे से टकराती है तो क्या होती है, एनर्जी पैदा होती है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, भूकंप आता है। तो जब ये टकराती है तो माना जाता है कि इनकी जो ब्रेकिंग जो सीमा है, इसको आप ऐसे समझिए कि जैसे अगर आपने एक पेंसिल अपने हाथ में ली हुई है, मान लीजिए कि ये पेन है मेरे हाथ में, ठीक है, और इस पे जब मैं वेट डाल रहा हूँ तो मैं वेट डालूंगा तो ये पेन क्या होगा, धीरे धीरे बेंट होगा। अभी मान लीजिए कि मैंने 1 किलो का वजन इस पे डाला है, ठीक है, पेन थोड़ा सा बेंट हुआ है, मैं और डालूंगा पेन और बेंट होगा, शायद मैं शायद इसको 5 किलो का वजन आसपास अगर इसको दूंगा 5 kg का, ये तो पेन क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। यानी इस पेन की जो क्षमता है वो 5 किलो की है, ठीक है, तो ये 5 kg पे क्या होगा, ये ब्रेक हो जाएगा। तो क्या है, इसके ब्रेक होने से पहले एक क्रिटिकल प्रेशर तक जैसे ही आप पहुंचेंगे ये क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। वैसे ही हमारी पृथ्वी की सतह होती है, उसका भी क्या होता है, क्रिटिकल प्रेशर होता है। माना जाता है कि रिक्टर स्केल पे वो 9.5 या 10 मैक्सिमम तक की जो एनर्जी है उसके बाद वो हमारी जो परतें हैं वो क्या हो जाती हैं, ब्रेक हो जाती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से भूकंप की तीव्रता सामान्यतः 10 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। रिक्टर स्केल जो है वो 1935 में उसको डिस्कवर किया गया था, एक यूएस के सिस्मोलॉजिस्ट थे, भूकंप वैज्ञानिक थे, ठीक है,
जिसका नाम क्या था, चार्ल्स फ्रांसिस रिक्टर। इन्होंने इस स्केल को सबसे पहले इस्तेमाल किया था कैलिफोर्निया में जो भूकंप आ रहे हैं उनको रैंक करने के लिए। ठीक है, चलिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था रिक्टर स्केल क्या करती है, एनर्जी जो पृथ्वी के अंदर से आ रही है उसे क्या करती है, उसे मेजर करती है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था ये एक ओपन एंडेड स्केल है और सामान्यतः इसकी जो ऊपरी लिमिट है वो 9.5 के आसपास होती है, उससे ज्यादा नहीं होती है। ये देखिए, ये हमारी पृथ्वी में जो भूकंप आते हैं, ऐसे भूकंप जो जिनकी जो इंटेंसिटी है, जो जिनका जो मैग्नीट्यूड है 1 से 2.9 तक होता है, ये 1 लाख से ज्यादा आते हैं, 3 से 3.9 तक, 12,000 से 1 लाख तक, और जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे वैसे वैसे भूकंप की जो मात्रा है, क्वांटिटी है, उसमें क्या होती है, कमी आती है। अब अगर आप नीचे देखें ऐसे भूकंप जिनकी तीव्रता 7 से 7.9 तक रहती है, ऐसे भूकंप हमारी पृथ्वी में औसतन 3 से 20 आते हैं, और ऐसे भूकंप जिनकी तीव्रता 8 या उससे ज्यादा होती है, ऐसे भूकंप 1 साल में हमारी पृथ्वी में केवल 3 या उससे कम आते हैं। तो जो छोटे भूकंप हैं उनकी संख्या बहुत सारी है, लेकिन जो बड़े भूकंप हैं उनकी संख्या क्या है, बहुत ज्यादा कम है, रेयरली आते हैं। आपके जब भूकंप आते हैं तो होता क्या है कि उसकी उसकी वजह से जो होता है वो कई बार लैंडस्लाइड्स आ जाती हैं। ठीक है, देखिए ये एक ये एल सल्वाडोर है का एक फोटो है, यहाँ पे आप देखिए ये जो लैंडस्लाइड आई है ये किसकी वजह से आ गई, ये अर्थक्वेक की वजह से आ गई। तो आप देख सकते हैं नीचे पूरा सेटलमेंट है, तो काफी ज्यादा नुकसान हुआ यहाँ पे। तो मतलब अर्थक्वेक क्या करते हैं, अर्थक्वेक अक्सर लैंडस्लाइड जो होती है उसे भी क्या कर देते हैं, जनरेट करते हैं। चलिए, अब हमारी जो अगली स्केल है उसे हम मार्किली स्केल या रोजी फोरल स्केल कहते हैं। मार्किली स्केल जो है वो उसको 1 से 12 के बीच में नापा जाता है। किसके बीच में, 1 से 12 के बीच में। एक वो अर्थक्वेक होता है जिसको आप हार्डली महसूस कर सके, और 12 अर्थक्वेक वो होता है जो क्या होता है, बहुत ज्यादा नुकसान करता है। तो ये जो बेसिक स्केल है ये क्या है, ये नुकसान पे आधारित है कि कितना नुकसान हो रहा है। तो अगर भूकंप ऐसे क्षेत्रों में आया है जहां पे पॉपुलेशन रहती है तो मार्किली स्केल में क्या होगी, जो रीडिंग होगी वो क्या होगी, ज्यादा होगी। लेकिन भूकंप ऐसे इलाकों में जब आ रहा है जहां पे पॉपुलेशन नहीं है तो मार्किली स्केल की रीडिंग क्या होगी, लो होगी। ठीक है, दूसरी चीज जो स्केल है उसे हम रोजी फोरल स्केल कहते हैं। ये सबसे पहली स्केल थी जिसको अर्थक्वेक को क्लासिफाई करने के लिए इस्तेमाल किया गया था। फिर 1992 में जब मार्किली स्केल आई तो मार्किली स्केल ने इसे रिप्लेस कर दिया। जो रोजी फोरल स्केल है इसे कितने से कितने बीच के नापा जाता था, 1 से 10 के बीच में। ठीक है, तो याद रखिएगा रोजी फोरल स्केल 1 से 10 के बीच में, और जो मार्किली स्केल है उसको 1 से 12 के बीच में नापा जाता था। ये दोनों ही जो स्केल है इनमें क्या था, इंटेंसिटी को मेजर किया जाता था कि जो भूकंप की इंटेंसिटी है वो क्या है। अब हम लोग पढ़ते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक्स। ठीक है, तो अर्थक्वेक का जो डिस्ट्रीब्यूशन है अगर आप देखें तो पृथ्वी में 3 इलाके हैं जहां पे जो बेसिकली हम अर्थक्वेक बेल्ट्स कहते हैं। पहली जो बेल्ट है वो सर्कम पैसिफिक बेल्ट है, दूसरी जो बेल्ट है उसे हम मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट कहते हैं, और तीसरी जो बेल्ट है उसे हम कहते हैं मिड अटलांटिक बेल्ट। तो 3 अर्थक्वेक की बेल्ट्स हैं, सर्कम पैसिफिक बेल्ट, मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट और मिड अटलांटिक बेल्ट। एक एक करके तीनों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहली जो बेल्ट है उसे हम कहते हैं सर्कम पैसिफिक बेल्ट। ये जो बेल्ट है ये प्रशांत महासागर आपका, देखिए ये आपका पैसिफिक ओशन है, प्रशांत महासागर है, हिंदी में कहते हैं परी प्रशांत पेटी। ठीक है, तो ये देखिए परी प्रशांत पेटी जो है ये देखिए ये चारों तरफ, तो ये प्रशांत महासागर के चारों तरफ वाली जो बेल्ट है इसे हम कहते हैं सर्कम पैसिफिक बेल्ट। ठीक है, जिसने पैसिफिक को क्या हुआ, प्रशांत महासागर को चारों तरफ से घेरा हुआ है। ये जो बेल्ट है यहाँ पे पृथ्वी के 70% अर्थक्वेक्स आते हैं। कितने प्रतिशत, 70% जो भूकंप है वो यहाँ पे आते हैं। ये जो है इसे पैसिफिक रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है। यहाँ पे जो भूकंप है वो सबसे ज्यादा है, उसका कारण क्या है कि यहाँ पे जो है वो क्या हो रहा है, सबडक्शन हो रहा है, प्लेटें क्या कर रही है, एक दूसरे से टकरा रही है। उसी टकराने की वजह से यहाँ पे क्या है, बहुत सारे एक्टिव वोल्केनोस जो है वो पाए जाते हैं। तो इनके बारे में जो सारी डिटेल्स हैं वो फिर से आपको समझ में आएंगी जब हम क्या पढ़ेंगे, जब हम प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ेंगे। तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में आपको ये और बेहतर तरीके से समझ में आएगा कि सर्कम पैसिफिक बेल्ट या पैसिफिक रिंग ऑफ फायर क्या है। आप में से अगर कोई मुझे याद दिला देगा तो मैं अर्थक्वेक और वॉल्केनो के डिफरेंस में फिर से उसे एक्सप्लेन करूंगा कि ये जो बेल्ट है वो किस तरीके से प्लेट टेक्टोनिक से रिलेटेड है। मोस्ट प्रॉब्ली प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ के आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से सर्कम पैसिफिक बेल्ट और पैसिफिक रिंग ऑफ फायर जो है वो रिलेटेड है हमारी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से। चलिए, दूसरा जो हमारा मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट,
मध्य महाद्वीपीय पेटी जो है वो देखिए जो लोकेटेड है, देखिए यहाँ पे लोकेटेड है, ठीक है, ये भूमध्य सागर वाला इलाका है ये, और ये देखिए पूरा हमारा ये हिमालय वाला इलाका है, उससे नीचे लेकर आएंगे ये आपका इंडोनेशिया का। तो ये जो पूरी बेल्ट है इसे हम क्या कहते हैं, मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट, मध्य महाद्वीपीय पेटी। यहाँ पे भूकंप क्यों आते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे प्लेट जो हो रही है वो सबडक्ट कर रही है, यहाँ पे आपका जो जो आपका एल्स पर्वत श्रृंखला है वो पाई जाती है, नीचे अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे हिमालय पर्वत श्रृंखला है। यहाँ पे बेसिकली जो इंडियन प्लेट है वो किससे टकरा रही है, यूरेशियन प्लेट से टकरा रही है, ठीक है। तो ये जो दूसरी बेल्ट है यहाँ पे कितने भूकंप प्रतिशत भूकंप आते हैं, लगभग 20% हमारे जो पृथ्वी के भूकंप है वो इन इलाकों में आते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारी जो तीसरी बेल्ट है उसे हम कहते हैं मिड अटलांटिक बेल्ट, मध्य अटलांटिक पेटी। तो मध्य अटलांटिक पेटी जो है वो देखिए वो यहाँ पे है, और ये जो मध्य अटलांटिक पेटी है यहाँ पे हो क्या रहा है कि यहाँ पे दो ओशनिक प्लेट जो हैं दोनों क्या हो रही है, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं। तो जो आपका अटलांटिक ओशन है वो क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है, क्योंकि इसके दोनों तरफ का जो इलाका है वो क्या हो रहा है, एक दूसरे से दूर जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे एक दूसरे से दूर जाने की वजह से यहाँ पे क्या आते हैं, भूकंप आते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपकी तीसरी पेटी है। तो आपकी तीन पेटियां जो हैं वो पाई जाती हैं, परिप्रशांत पेटी, मध्य महाद्वीपीय पेटी और मध्य अटलांटिक पेटी। चलिए अब इफेक्ट्स जो हैं वो पढ़ लेते हैं कि जब भूकंप आते हैं तो उसके इफेक्ट क्या क्या होते हैं। बहुत सारा नुकसान होता है, पहले क्या होता है लाइफ एंड प्रॉपर्टी को बहुत ज्यादा लॉस होता है, और उसके अलावा क्या होता है, उसके अलावा जैसे सुनामीज हैं भूकंप के आने के बाद आ सकती हैं, जैसा कि इंडियन ओशन में हुआ था। साथ में अक्सर देखा गया है कि जब भूकंप आते हैं तो आग लग जाती है, एक सैन फ्रांसिस्को का अर्थक्वेक है जो बहुत ही फेमस है, जिसमें आग लग गई थी और पूरा सैन फ्रांसिस्को जो शहर ही आम तो सामान्यतः जल के खत्म हो गया था, ठीक है। तो आग चाइना में सॉरी जापान में भी एक ऐसी घटना हुई थी जब अर्थक्वेक आने के बाद आग लग गई थी और जो शहर का बड़ा हिस्सा जो है वो उससे जल गया। भूकंप आने के बाद कई बार क्या होता है एपिडेमिक्स भी आ जाती है, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती है, भुखमरी हो जाती है और जो फैसिलिटीज हैं क्योंकि उनका लॉस हो चुका होता है, तो एपिडेमिक जो है वो भी अक्सर देखा गया है कि वो फैल जाते हैं, ठीक है। चलिए उसके अलावा बहुत सारी दरारें वगैरह तो हमारी पृथ्वी की जो सतह है उस पर पड़ जाती है। तो ये सारे क्या है, इफेक्ट्स हैं। अब जब भूकंप आता है तो हम इंसानों के संदर्भ में तो वो बहुत बड़ा लॉस है, ठीक है, ह्यूमंस के को अगर देखें तो हमारे लिए लॉस है, लेकिन नेचर के हिसाब से देखा जाए तो अर्थक्वेक के बहुत सारे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी हैं। तो जैसे जब अर्थक्वेक आता है तो अक्सर क्या होता है, ज्वालामुखी विस्फोट भी हो जाता है, तो उससे क्या होता है कि न्यू जो क्रस्ट है उसका फॉर्मेशन होता है। साथ ही में जब अर्थक्वेक्स आते हैं तो बहुत सारे मिनरल्स जो जमीन के नीचे दबे हुए हैं वो कहाँ जाते हैं, सरफेस पे आ जाते हैं। तो बहुत सारे मिनरल्स जिनका निर्माण कहाँ हुआ है, काफी अंदर हुआ है, तो वो भूकंप के बाद वो जो सारे मिनरल्स है वो कहाँ जाते हैं, सरफेस पे आ जाते हैं। उसके अलावा जो आपके जो अर्थक्वेक्स हैं वो क्या बनाते हैं, गीजर्स बनाते हैं, ठीक है। गीजर्स क्या होता है, अगर आपने देखा हो तो ठंडे इलाकों में जमीन के नीचे से क्या होता है, गर्म पानी निकलता है, उसे हम क्या कहते हैं, गीजर्स कहते हैं, हॉट स्प्रिंग्स एंड गीजर्स। तो जो ठंडे इलाके हैं वहां पे जब भूकंप आता है तो पृथ्वी की सतह में दरार पड़ जाती है, और उस दरार से पानी होते हुए कहाँ पहुंच जाता है, नीचे मैग्मा चैम्बर तक पहुंच जाता है। जब वो मैग्मा चैम्बर तक पहुंच जाता है तो उसी दरार से गर्म पानी जो है वो ऊपर झील की तरफ आ जाता है, तो झील का पानी कैसा हो जाता है, गर्म हो जाता है, ठीक है। आइसलैंड में ऐसा बहुत देखने को मिलता है, तो वहां पे लोग क्या करते हैं, उस गर्म पानी से बिजली बनाते हैं, ठीक है, और भी कई तरीके से खाना बनाने के लिए और बहुत दूसरे तरीकों से उस गर्म पानी जो है उन जो गीजर्स हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। और भूकंप का सबसे बड़ा मेरिट ये है कि भूकंप हमें क्या बताते हैं, पृथ्वी के अंतरम के बारे में बताते हैं, ठीक है, इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में बताते हैं, किसके थ्रू, सीस्मिक वेव्स के थ्रू, ठीक है, भूकंपीय तरंगों के। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि अर्थक्वेक की प्रेडिक्शंस कैसे जाए, भूकंप जो है उसकी उसका अनुमान कैसे लगाया जाए। अब तक एक्चुअली दुनिया में हम लोगों ने बहुत ज्यादा विकास इस बात पे, हम लोग बहुत ज्यादा स्टडी इस बात पे की है कि भूकंप को हम प्रेडिक्ट कर पाए, लेकिन अब तक कोई बहुत सक्सेसफुल प्रेडिक्शन मॉडल जो है वो अब तक नहीं निकल के आ पाया है। एक जो प्रेडिक्शन मॉडल है वो जर्मनी में एक डेवलप कर रहे हैं प्रेडिक्शन मॉडल, जिसे वो क्रैकल थ्योरी कहते हैं। क्रैकल थ्योरी मतलब ये होता है कि जब आपने देखा होगा जब आप लकड़ी को तोड़ना शुरू करते हैं, बेंट करना शुरू करते हैं, तो उसमें से धीरे धीरे कट 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 आवाज आती है और फिर एकदम से क्या होती है, लकड़ी टूट जाती है जैसे आप प्रेशर डालते हैं। तो वैसे ही जब पृथ्वी की सतह जब प्लेटें आपस में टकराती हैं तो कुछ आवाज जनरेट करती हैं, अगर हम उस आवाज को स्टडी कर पाए और समझ पाए तो
तो शायद हम ये प्रिडिक्ट कर पाए कि जो भूकंप है अगला भूकंप कब आने वाला है। लेकिन ये सारी जो थ्योरीज हैं ये बहुत ही इन्फेंसी में है, बहुत ही शुरुआती दौर में है और काफी जो काम इनमें होना जो है वो अभी अभी बाकी है। और दुनिया के बहुत सारे जो जियोलॉजिस्ट हैं वो अभी भी काम कर रहे हैं कि किस तरीके से हम अर्थक्वेक को प्रिडिक्ट कर पाए। और दुनिया के कुछ देशों में एडवांस अर्थक्वेक प्रिडिक्शन वार्निंग सिस्टम भी है, जैसा एक वार्निंग जो सिस्टम है वो मैक्सिको सिटी में है। तो वहां पे है क्या कि मेक्सिको सिटी की अगर ज्योग्राफिकल लोकेशन आप देखें तो वो प्लेटू में है, तो दोनों तरफ पहाड़ है और प्लेटू क्या होता है टेबल टॉप इलाका, तो ऊपर टेबल टॉप है और दोनों तरफ पर्वतों की ढाल होती है। तो होता क्या है कि ऐसे खास इलाकों में जब भूकंप आते हैं तो जो आपके पी वेव्स हैं वो पहले पहुंच जाती है, तो वो क्या करते हैं उस पी वेव्स को स्टडी करके और मतलब उसको रीड करके तुरंत एक वार्निंग इशू कर देते हैं, क्योंकि नुकसान किससे होगा एल वेव्स को होगा, पहले पी वेव आएंगे फिर एस वेव्स आएंगी और फिर एल वेव्स आएंगे, तो कुछ सेकंड का मार्जिन मिल जाता है जो कि ठीक ठाक मार्जिन है। अगर अर्थक्वेक आने वाला है और आपको मैं 10 सेकंड पहले ही बता दूं कि अर्थक्वेक आने वाला है तो शायद आप क्या करें घर से दौड़ के घर के बाहर एक खुले मैदान में पहुंच जाए, तो वो टाइम काफी होता है और वो वार्निंग सिस्टम वहां पे लगा हुआ है। लेकिन अभी हाल ही में पिछले साल एक अर्थक्वेक आया था, तो वो शैलो अर्थक्वेक था यानी जमीन में बहुत गहराई से नहीं आया था, तो उनको उतना टाइम नहीं मिल पाया कि वो जो सिस्टम है वो एक्टिवेट हो सके। तो ये जो सिस्टम है वो काम तो कर रहा है लेकिन बहुत ज्यादा जो इफेक्टिव सिस्टम है वो नहीं है। इसके अलावा 1975 में चाइना में घटना हुई थी जिसमें कुछ जो जियोलॉजिस्ट थे उन्होंने प्रिडिक्शन किया था कि कुछ दिन बाद यहाँ पे भूकंप आने वाला है, और उन्होंने क्या किया कि उस इलाके में जो पूरे शहर थे उनको खाली करा दिया, और उसके बाद तो मेरे ख्याल से कुछ ही दो ही दिन बाद जो है वो भूकंप आ गया। और जब वो भूकंप आया तो 90% जो बिल्डिंग थी उसकी वो डैमेज हो गए, लेकिन उस भूकंप के आने से पहले 90,000 लोगों को वो क्या करते शहर से वो लोग हटा चुके थे। तो 1975 की घटना है ये, ठीक है। ये हमारी पृथ्वी के इतिहास का अकेला प्रेडिक्शन है जो सक्सेसफुल था, लेकिन जो इसके वैज्ञानिक आधार थे वो कमजोर थे और दोबारा हम कभी भी इस तरह का प्रेडिक्शन जो है वो नहीं कर पाए। तो आप कह सकते हैं कि शायद एक अच्छा अंदाजा था जो और वो जो लग गया, लेकिन दोबारा कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमने इतनी सक्सेसफुली जो है वो प्रेडिक्शन किया हो और जो भूकंप है वो आ गया हो, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से हमारे जो प्रेडिक्शन मॉडल्स हैं वो भी काफी इन्फेंसी में है और हमें बहुत ज्यादा काम करना है इससे पहले कि हम समझ पाए कि भूकंप जो है वो कहाँ आएंगे। लेकिन एक खास बात है और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर आप प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ेंगे तो आपको समझ में कम से कम ये आ जाएगा कि दुनिया के कौन से इलाके जो हैं वहां ज्यादा भूकंप आने की संभावना है और दुनिया के कौन से ऐसे इलाके हैं जहां भूकंप आने की संभावना कम है। और इसी थ्योरी की वजह से हमारे जो अगर आपने देखा हो तो हमारे क्या है अर्थक्वेक के जोन्स हैं। हमारे इंडिया में हमने क्या किया है, हमारे भारत को हमने अर्थक्वेक जोन्स में बांटा हुआ। हमारे कितने अर्थक्वेक जोन्स हैं, हमारे पास 4 अर्थक्वेक जोन्स हैं। पहले कितने थे, 5 अर्थक्वेक जोन थे, जोन 1 से लेकर जोन 5 तक। हाल ही में हमने क्या किया, जोन 1 जो है वो खत्म कर दिया, जो लातूर और जो कोयना का अर्थक्वेक था उसमें हुआ ये था कि जो भूकंप ऐसे इलाकों में आए थे जो जोन 1 में था। जोन 1 वो क्षेत्र होते हैं जो भूकंप से सुरक्षित हैं, जहां पे भूकंप नहीं आएंगे। लेकिन लातूर और कोयना के भूकंप के बाद हमें ये पता चला कि दुनिया में कोई भी ऐसा इलाका नहीं है जो सुरक्षित हो। बहुत फेमस भूकंप था, दुनिया भर के जो जियोलॉजिस्ट थे और जो जिमोफोलॉजिस्ट थे उन्होंने इन दोनों अर्थक्वेक की स्टडी की और इससे उन्होंने जो कंक्लूजन निकाला वो ये निकाला कि कोई भी इलाका जो है वो भूकंप से सुरक्षित नहीं है। इसलिए जोन 1 को क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। अब जोन कितना है, जोन 2, 3, 4 और 5। अब हमारे पास कितना जोन है, 4 जोन है। जोन 1 को मर्ज कर दिया गया जोन 2 में। जोन 1 मतलब था कि सेफ फ्रॉम अर्थक्वेक और जोन 5 मतलब था कि अर्थक्वेक आने की सबसे ज्यादा संभावना। तो अब हमारे पास केवल कितना है, जोन 2, जोन 3, जोन 4 एंड जोन 5। और कानपुर और लखनऊ जहां पे आप और हम लोग हैं, मैं आपको बता दूं यहां पे जो हम जो हैं वो जोन 3 में हैं। तो अर्थक्वेक आने की ठीक ठाक संभावना जो है वो हमारे इलाके में भी। चलिए, ओके, चलिए, गुड डे, ओके सर।